गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इंद्रपुरम इलाके के वैशाली पुलिया के पास मुठभेड़ हुई। बदमाशों को पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे। बाकी के बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिसकर्मी और घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। बदमाश से तमंचा और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। सब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? आज शाम को थाना इंद्रपुरम क्षेत्र में चेकिंग हो रही थी, उस दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखने पे उसकी घेराबंदी करके चेकिंग लगाई गई। आगे जाने पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया गया उसमें बदमाशों के द्वारा। फिर उसके बाद यहाँ जो ग्रीन बेल्ट है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश जो सचिन है उसको गोली लगी है और एक इसमें सिपाही भी हमारा इंजर्ड हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और जो उसके पास से रिकवरी हुई है एक चोरी की गाड़ी इसी थाना क्षेत्र से थी और अभी आगे उसके बाद पता चला है कि ये जो बदमाश है ये नोएडा से भी, पड़ोसी जनपद नोएडा से भी और यहाँ गाजियाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का पहले पुरस्कार भी था। और अभी हाल में घटना हुई थी उससे संबंधित एक मोबाइल भी इसके पास से रिकवर हुआ था जिसे इसने थाना इंद्रपुरम क्षेत्र से ही एक CISF कर्मी को पत्थर मार के लूट लिया था। इनाम में किया था इसके ऊपर जनपद गाजियाबाद से 25,000 रुपये का रिवार्ड है इस पर। किस मामले में रखा गया था इनाम? लूट के मामले में थाना इंद्रपुरम क्षेत्र में लूट किया था उसी।